अभी देखते हैं, जैसे स्पीड 70 से ऊपर नहीं जा रही ट्रक की। नहीं नहीं जा रही। कोई अपने ट्रक के आगे ना ड्रेस लिख के डाले कंपनी का, अगर कुछ हो गया हम दोनों को तो ट्रक। मैंने दुबई में ट्रक चलाया था लेकिन मैंने फिर एक बैग, दो बैग, तीन बैग। मैडम कुछ बना रही है, क्या बना रही हो? ओए ये धनिया कैसे काट रही है? ये देखो धनिया काटने का प्रोफेशनल शेफ शेफ होते ना, वो इससे काटते हैं। अच्छा तू अपने आप को प्रोफेशनल शेफ समझती yes, है? Yes. है? समझती नहीं हूँ। हाँ, सब्जी तो कभी टेस्ट बनाई नहीं। अच्छा सब्जी मैडम की हमेशा टेस्ट होती है यार, इसमें कोई शक नहीं है। आज एक नया सफर शुरू करना है तो उसके लिए तैयारी चल रही है। जब जब कैलगरी जाना होता है, दो दिन का होता है, तीन दिन का होता है, लेकिन आज हमको जाना है। टेलीफोन आ गया। आज हमको जाना है टोरंटो, जाना है। लू नहीं है? मेरे को पता नहीं, मैं अगर टेस्ट करती हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ये एग बना रही है और मैडम खुद एग खाती नहीं है, तो ये बढ़िया चीज है यार, बना देती इतना ही बहुत है। रह लेगी ना दो चार दिन अभी। बेबी आने के टाइम के पास में घर में रहना, तो पहले पहले ट्रिप लगा लेते हैं, दो चार जो लगते हैं बाहर के। जाने का कोई प्लान नहीं था कंपनी का, चलते टेलीफोन आ गया कि भाई एक टोरंटो का लोड अगर लगा सकते हो तो लगा दोगे। तो भाई नौकरी क्या, नखरा क्या, लगाएंगे, रोड पे जाएंगे, माइल्स डालेंगे, ट्रक का चक्का घूमेगा तो ही अपने को पैसे मिलेंगे। ये मेरा बैग नहीं था, ऐसा मत सोचना कि हाँ भाई भाई ने कपड़े वपड़े डालिए, महीना दो महीने वापस नहीं आएगा। और जब कोई अपना भाई ना बैग देख गया था, किसी का सामान अपने आसपास वाले का जाना होता है, तो वैसे जब हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं लेके जाऊंगा। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला में रहना मैडम। फोन पे बात होती रहेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा पीरियड दूसरा चल रहा है ना, तो थोड़ा सा मन में होता है कि मैं जा रहा हूँ दो चार दिन के लिए, लेकिन जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, सीढ़ियां ध्यान से तो नहीं है ना मैडम, ध्यान रखना, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ। देखो ठीक है, हैरान नहीं होने का है, ये बंदा आया अपने ट्रक में पहली बार, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया भैया, बताओ। बढ़िया सर, बढ़िया। और ये आ रहा है हमारे साथ में आज टोरंटो को, भाई पहला ट्रिप है? ट्रैकिंग में पहला ट्रिप है? ट्रैकिंग में पहला ट्रिप है। लाइसेंस कहाँ से लिया था? मैनिटोबा से ही, वर्क परमिट। पीआर हो गया भाई? पीआर हो गया, वीर फिरते हैं। ये ट्रिप के ऊपर हमने सिर्फ एक दूसरे की बातें सुननी है, गुस्सा नहीं करना है। जो तेरे को मालूम होगा तू मेरे को बताएगा, जो मेरे को मालूम होगा मैं तेरे को बताएगा। बातें बातें करते जाना है। अपने साथ में पहले भी भाई गया था, मजा बहुत आया था, तो मजे लेते हुए जाना है, मजे लेते हुए आना है। ठीक है, पसीना बहुत आ रहा है यार, पूरा सामान शिफ्ट किया है वो देखो। अभी हम लंबे ट्रक के ऊपर चलते ना, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है यार, हमको अच्छी तरह से पीटीआई करके निकलना है यार्ड से। ठीक है, एक बार पीटीआई करके अच्छी तरह तेल वगैरह चेक करके फिर हाईवे के ऊपर निकलेंगे। आया भाई, शीशा विशा साफ कर लें ट्रक का, यहाँ पे अपने डैप पड़ी हुई है, डैप और आगे डालने के लिए विंडशील्ड वाटर। तो डीजल तो अपना फुल है बॉस, तो डीजल अपने को डालने की जरूरत नहीं है, सीधा चलते हैं ट्रेलर रुक करते हैं। ट्रेलर रुक करके फिर खाने पीने का सामान फ्रिज में लगाएंगे, ताको दो जाते हैं ग्लव्स डाल के कभी नहीं बैठना, यहाँ पे इसको डीजल लगा होता है, एलर्जी हो जाएगी तेरे को। नीचे रख इसको पैरों में, डैप है सबसे गंदी चीज है, जब जब तुम्हारी चमड़ी पे लगेगी व्हाइट रंग का एक केमिकल बनेगा, खुजली शुरू हो जाएगी। टायर फ्लैट था इन्होंने बनाया भाई, ठीक है सारा कुछ टायर अभी है। इनके साथ में काम करते हो? काल टायर वाले बंदे हैं ये, बंदों को पंचर लगाते, बंदों को नहीं टायरों को पंचर लगाते। चल ठीक है ब्रदर, निकलना लेट हो रहे हैं, मिलते हैं। ओके जी, सेफ्टी देख के नहीं जाएंगे, स्केल के ऊपर टिकट बहुत बड़ी है। हब मीटर है भाई, लिख 189847। अपना भाई यहाँ रीफर देखे मैं ऑन करता हूँ, रीफर ये देख लिखा हुआ है सामने ऑफ। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ 34 34, अगर माइनस में तो यहाँ पे भी नोट कर लेना है फ्री ट्रिप में, और कंपनी को मैसेज भी कर देना है। टेम्परेचर सबसे ज्यादा मैटर कर रहा है, पूरा लोड खराब हो जाएगा। अब बुक है तेरे पास? भाई का पहला ट्रिप है यार, तो जितना अपने को मालूम होगा भाई बताते जाएंगे। ठीक है, 15 पेज रखने भाई बुक में, है ना? लॉग बुक में 1 से 15 पेज चाहिए, और फिर 15 से 30 भी रख सकते हो, 15 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन हमें 15 चाहिए या 30 चाहिए, अगर ज्यादा है या कम है तो उसकी भी टिकट स्केल के ऊपर। जब पुलिस वाला अपनी बुक देखता है तो अपने से पीछे 15 दिन का हिसाब मांगता है, 14 दिन का, 14 दिन का रिकॉर्ड चाहिए अपने बुक में कि पिछले वाले 14 दिन में हमने क्या किया है। अभी तू आया आज पहले दिन आया, तेरे को 4 3 2 1 ऐसा पिछले 14 दिन बताना पड़ेगा कि मैं छुट्टियों में था। ये पेट्रोलिंग करता रहता है, इसकी पावर बहुत है भाई, इससे डर के रहना है कंपनी में। ठीक
जब भी देखता है ना तो अपना ट्रक दूसरी तरफ घुमा लेना। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, ये जब भी हम यार्ड में आते ना ये बंदे से पूछ के आना, इसको बताना पड़ता है ट्रेलर अपना कहाँ लगना है, ट्रेलर में क्या है, ये गेट पे खड़ा मिलेगा। जाएंगे तो भी दो चार दिन लगेंगे, जब सर्दियों में टोरंटो में जाना है, अभी तो मौसम सही है तो सामान एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ता है, तब ऐसा नहीं होता, खाए चाहे ना खाए फ्रिज में होना चाहिए, रास्ता बंद हो गया तो कभी कभी तो टॉयलेट जाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन होता कभी जिंदगी में एक दो चांस ही है। और कोई सामान फ्रिज में लगाने वाला तेरा? हाँ भाई, जाने से पहले कंपनी वालों को मैसेज करके जाना कि भाई हम लोग जा रहे हैं यार से, तो फिर उनको मालूम पड़ जाता है कि पता निकल गया हम नई जगह में जा रहे हैं, तो लोकेशन डाल के मैं पता कर लेना कि कितने किलोमीटर जाना है। जैसे मैं तो ट्रक वाला मैप यूज नहीं करता ना, मेरी पुरानी आदत है, मेरे पास ट्रक वाला मैप है ही नहीं, पैसा ही नहीं कभी इतना इकट्ठा हुआ यार ट्रक वाला मैप लेने के लिए, महंगा होता है। नहीं इतना भी महंगा नहीं है, 300-400 का आ जाएगा। पहली जो डिलीवरी है वो है मैराथन, विनीपेग से मैराथन, ठीक है, 1000 किलोमीटर है यहाँ से, ये अपने को 6 बजे पहुंचा रहा है। बाबा जी बड़ा करना, सब पे करना। ट्रकिंग का अगर पहले से शौक था या किसी ने ये चीज बताई है कि ट्रकिंग में पैसा बहुत है इसलिए ट्रकिंग में जाना चाहिए? ड्राइविंग में मुझे हैगा भाई, ड्राइविंग का शौक है, पहले स्किप करता था फिर टैक्सी, बंदा काम वाला है, देख लो कितने काम करता है, हम बेले एक ही काम है हमको बस ट्रक का, दूसरा कोई काम ही नहीं है। अगर ड्राइविंग का शौक है, कार भी चला रहे हो ट्रक भी चलाना है, ड्राइविंग तो ड्राइविंग है, चाहे जहाज की है चाहे ट्रेन की है। कैसा लग रहा है भाई हाईवे के ऊपर? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, भाई का पहला दिन है, देख दूर दूर तक कोई दिखता है, आदमी नहीं आदमी की जान नहीं, ट्रक ही चल रहे हैं। अभी जब और अंधेरा होगा ना कारों वाले सब गुम हो जाएंगे, सिर्फ हम ही घूमते ट्रकों वाले रात को, अपने पीछे से जंगल है, चल जाते जहाँ रुकते नहीं है, बालू बालू बहुत फिरते हैं यहाँ से, ऐसा ना पहले ट्रेन में खबर आ जाए। जैसे हम अभी सिग्नल क्रॉस करके आए ना, मैंने इसलिए रोका है कि यहाँ पे थोड़ा सा चहल पहल है, जानवर कम आता है, जैसे कोई भी पुल उठाएगी रात को तो जैसे नहीं कि ट्रक खड़ा किया बारी खोला सीधा नीचे आसपास देख के फिर उतरना, ऐसा ना हो जाएंगे ट्रक में आएंगे अखबार में भी बंदा गुम हो गया। देख रहा तेरे सामने कोई दिखता नहीं, जब हम हाईवे के ऊपर थे कोई दिख रहा था आगे पीछे? ऐसे ही चलते हैं भाई रात को गुम सुम, बस लाइटें दिखती है आगे से या पीछे से। नहीं पैसे अंदर कर ला भाई, नहीं भाई वो वैसे यार पढ़ ले ला पैसे ना रख जाई भाई, ओ नहीं नहीं ओ नहीं नहीं ओ मेरा गल सुन, फिर मैं सिलेंडर तो मना कर देना ही, फिर वो दो जो सिलेंडर है यार फिर की आके रोड ते मेनू लोड पै जूगी जिंदगी फिर आप फिर ले लेंगे वापस, ठीक है ओके ब्रदर। भाई को सिलेंडर की जरूरत पड़ गई रास्ते में, उसने मेरे से पूछा, अपने पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था उसके काम आ गया। अभी ये भाई को पता नहीं सिलेंडर क्या होता है, अभी देर को समझाते हैं भाई, ये ले इसमें सारे डॉक्यूमेंट होते हैं अपने ट्रक के, खोल खोल इसको, ओ माय गॉड पहली बार देखा ऐसा सिस्टम है, ये तो जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसके बगैर में ना ट्रक चलता नहीं रोड के ऊपर, ये देख ले लगा हुआ ना ब्रिटेन, लेकिन दिस इज टोटली डिफरेंट, यहाँ पे हमने 5 डिलीवरीज करनी है टोटल, वो करनी है 17 हाईवे के ऊपर, जितनी भी ट्रकिंग चलती है विनीपेग से लेकर टोरंटो तक 90% ट्रकों वाले जो है वो 17 हाईवे के ऊपर नहीं जाते, 11 हाईवे के ऊपर जाते हैं, बोलते हैं कि 11 हाईवे के ऊपर सर्विस ज्यादा है और थोड़ा प्लेन रास्ता है, जो 17 हाईवे है उस पर प्लेन रास्ता नहीं है, ऊंच नीच ज्यादा है, थोड़ा अप एंड डाउन है। डील का रेट देखो यार ऑलमोस्ट $1.5 हो गया यार, $1.5 1,412 लीटर $613 का, ये तो वहाँ से भी बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे, इतना ज्यादा रेट, जब मैं आया था ना 65-70 यहाँ पे था डीजल और पेट्रोल, इधर भी ट्रकों की पार्किंग है, ये भी सारी। थैंक यू, हैव अ गुड वन। उठा लिए चाय एक बार फिर से,
अभी अपने को 300 किलोमीटर है यहाँ से। आपने देखा था पिछले वाले ब्लॉग में हम यहाँ से ही गए थे ड्राइव करके, तो थोड़े थके हुए हैं, भाई को भी रात को ट्रक दे नहीं सकते। देखो यार कितनी माओ के बेटे, कितनी बहनों के भाई, ये जो ड्राइवर भाई होते हैं हमारे, ये रोड के ऊपर चलते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, 24 आवर सर्विस है। क्यों सर्विस की हुई 24 आवर? क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर भाई आते हैं। इतनी ज्यादा फोग पड़ी हुई ना रास्ते में, दिखाई नहीं दे रहा था, बस रोड की लाइनें दिखाई देती है, उसी के हिसाब से चल रहा हूँ, इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर रहा। विनीपेग से 1000 किलोमीटर दूर एक मैराथन टाउन पड़ता है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ पे पहली डिलीवरी की है, अभी 4 डिलीवरी अपने पास बाकी है, तो अपने पास जो भाई आया नवा, अभी उसको मौका देंगे। क्यों भाई सेट है? बिल्कुल भाई, आप बताओ। टेलर लोड है, बास को ताले भाई, मैंने दोनों डोज लगाई हुई है भाई। अभी मचाएगा धमाल, पहाड़ों के बीचों बीच है भाई का पहला ही ट्रिप और पहला ही पहाड़ों में, वो भी 17 हाईवे के ऊपर। जितनी देर हम इकट्ठे रहेंगे दोनों बंदे, जब भी अपनी अपनी शिफ्ट उठानी है मैं उठाऊंगा, बाबा जी का नाम लेके तुम ही चकनी है, हाथ जोड़ के रब अगर अरदास करके फिर चकनी है। तेरी जिंदगी का हाईवे पे पहला ट्रिप है ना ये, बाबा जी का नाम ले, उसके बाद में निकलेंगे रोड के ऊपर, है ना। मैं कभी भी शिफ्ट उठाता हूँ, ट्रक उठाता हूँ, तो उस ऊपर वाले का नाम लेना जरूरी है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी तेरी मर्जी है, बाद में तुम क्या करेगा, खड़े होकर चला बैठ के चला, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। सारी रात मैं इसी फोक के साथ में लड़ता हुआ हूँ बॉस, ज्यादा मेरे को भी मालूम नहीं है। हम दोनों नए बंदों को भेज दिया कंपनी है, लेकिन फिर भी कोई चक्कर नहीं है, मिलजुल के काम चलाएंगे। जब आदमी के हाथ में कंट्रोल नहीं होता ना, आदमी पीछे बैठा होता है, आदमी के आईडिया और होते हैं। अभी देखते हैं, स्पीड 70 से ऊपर नहीं जा रही ट्रक की, नहीं जा रही, डर लगता है ना। हाँ, तो कोई चक्कर नहीं है, चढ़ती कला में रहना है, किसमें रहना है, चढ़ती कला में, कुछ नहीं होगा। बंदे चलाते हैं इसको, कौन सा ऊपर से आते हैं बंदे, पीछे बैठे होते तब अपने दिमाग में कुछ और ही इमेज होती है ट्रक की, लेकिन असली इमेज क्लियर तब होती है जब हम खुद स्टीयरिंग पकड़ के बैठते हैं। और तेरी किस्मत देख, तुमने बैठा भी पहाड़ों में, कस के ब्रेक नहीं मारनी जल्दी से, ट्रक रुक जाएगा तेरा, प्लेन में है ना, लेकिन जब डाउन में तब ट्रक नहीं छोड़ना है। एक बार यहाँ से निकाल लिया ये वाला ट्रिप, तो बाद में प्लेन में तेरे को ऐसे लगे जैसे कार चला रहा है। दो पे लगा के छोड़ दे, हाँ दो पे लगाई ना, अभी तेरे को लगता है ज्यादा चाहिए तो 3 पे लगा दे। अभी जब ज्यादा स्पीड फिर भी पकड़ेगा तो फिर थोड़ा सा ब्रेक पे पैर रखना है, अगर ज्यादा स्पीड पकड़ रहा है, लेकिन अभी तो कम हो रही है ना, इसका ग्रेड कम कर दे, एक नंबर कम कर दे इसको। ज्यादा भी डर के नहीं चलाना है, एक तो होता है ओवर कॉन्फिडेंस और होता है, और ज्यादा डर के चलाएगा तो मर ही जाएगा। हौसला रख, कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए ट्रक। इतना ख्याल रख, एक बार लाइन से बाहर गया तो दुनिया की लाइन से दोनों बाहर जाएंगे। मेरी जान भी तेरे हाथ में भाई, तेरे को डर लग रहा है, मेरे को अभी तेरे को दे देगा, मेरे को डर लगना शुरू हो गया। ये देख सामने भी पासिंग लेन का बोर्ड आया ना, ये पासिंग लेन है, तो अभी तुम राइट साइड में कर ले, जो पीछे वाला बंदा तेरे को परेशान कर रहा है वो खुद खुद निकल जाएगा। जब रास्ता नहीं है, कोई कितना भी जोर लगा ले, हमको रास्ता देने की जरूरत नहीं है, वो भी पहाड़ों में खास करके, ठीक है ना। अभी देख अपने आप गया ना, वो जो तेज है वो चला जाएगा। हमारा मेन फोकस अपने ट्रैक में रखना, अपने ट्रक को अपने ट्रैक में, अपना ट्रक अपने ट्रैक में, दूसरा बंदा किधर जा रहा है अपने को कोई मतलब नहीं है। फ्लैशर लगा के जा रहे हैं यार, वो घटने का नाम ही नहीं ले रही यार, बुरा हाल किया हुआ है भाई का। पहला ट्रिप है, वो बेचारा परेशान हो रहा है, क्योंकि मेरी तो अभी बुक खत्म हो गई, लॉग बुक मैं चला नहीं सकता, नींद आ रही है भाई, मेरे को मौत दिखाई दे रही है आगे। तू तो आराम से सो गया होगा रात को, लेकिन अपना मुश्किल है अभी। पहले 2 घंटे चला रहे सीधा सीधा, फिर मेरे को हो जाएगा कि हाँ मैं सो सकता हूँ, ऐसा ना मैं पीछे जाके सोऊं, उठूं कहीं और पे। देखो
क्या बात है, हीरो बैठा हुआ है ट्रक की सीट पे, अभी हाथ ऊपर कर रहा है, पहले क्या हुआ जब हैंड ब्रेक लगाई थी दो तीन बार। अब दिल बाहर आ रहा था, वही दिल ऊपर आ रहा था। मैं डर गया था एक बार, मैं बोला भाई ये कर करेगा कुछ ना कुछ, मैं बोला बाबा जी अभी तो सीट भी चेंज नहीं हो सकती, अभी क्या करूं। पहली बार डाउन होता आ रहा था ना, एक बार डर गया था, लेकिन ठीक है अभी थोड़ा संभाल लिया। अभी सूरज आ रहा आगे से, मैंने अड़के निकाल के दी, ऐसा नहीं कि पहली बार भाई ने पहले ट्रिप पे खुद अड़के लगाई है। भाई जैसे ब्रेक लगा रहा था, मैं बोला आज कुछ होगा। होता है यार, जब हम पहली बार ट्रक पे बैठे थे हमारी भी टांगे काम नहीं थी। अभी जरा कॉन्फिडेंस लेवल ना 100% हो के जाएगा अगर ये वाला ट्रिप सारा सही हो गया ना। बाकी जो होना होता है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, जितनी लिखी है उतनी तो है ही है। जब भी कर्व आएगी, राइट साइड में कर्व आ रही है, अपना लेफ्ट वाला टायर जो है वो सेंटर वाली लेन के पास में रखना, अगर आगे से कोई नहीं आ रहा तो। ज्यादा इस तरफ करेगा तो पीछे से ट्रेलर नीचे उतर जाएगा जरा। वाह मैम ये देख, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ उस्ताद सही है, भाई ले गया पूरे नहीं आ रहे हैं। 150-160 किलोमीटर हो गया भाई, अभी साल बन जाएगा। डर बहुत लगा था बीच में। अरे भाई मेरे को भी लेके जा। हेलो भाई अपना बहुत जल्दी में, भाई मेरे को भी लेके जा, मैं भी जाएगा। अभी तो डर लगता जब ट्रक जाते हैं साथ में से, नहीं लगता। लाखों बंदे यार ये रोड के ऊपर घूमते ना, सभी का हर एक कोई ना कोई दिन पहला होता ही होता है। आज मैं चाहूँ मेरे को साल दो साल हो गया तो मैं कहूँ कि हाँ भाई मेरे को बहुत मालूम पड़ गया, वी आर बिहाइंड द व्हील। कभी हम हर रोज नए बंदे हैं, किसी से भी गलती होती है। तुम एक्सपीरियंस करके देखना, कई बार क्या होता है कोई बंदा गिरा हुआ है या किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो कितना साल पुराना है, 25 साल पुराना। कोई बंदे का एक्सीडेंट हो गया कितना पुराना है, 2 दिन पुराना, कुछ मालूम नहीं है। भाई एक पानी की बोतल लेनी है, पीछे जाके ले आऊं। पक्का बस भाई 20 किलोमीटर रह गया है, आराम आराम से ले जा, बाकी हम देख लेंगे। चल जान दे, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा उधर से भी, कोई नहीं आ रहा जाने दे, इधर से देख इधर से, जाने दे जाने दे। अभी ड्राइवर चेंज करना पड़ा है क्योंकि वहाँ इनके पास में इतनी जगह नहीं है, छोटा सा गांव है ना उसमें लेके आए हैं डिलीवरी। भाई छोटे छोटे गांव है, छोटी छोटी जगह है, यहाँ पे मालूम नहीं पार्किंग भी नहीं है ट्रकों की। जैसे जैसे डिलीवरी हो रही है ना तभी तभी जोश आ रहा है। क्यों बॉस, है 2 हो गए, 3 बाकी है, आगे वाली 3 की टेंशन बहुत कम है, क्योंकि 3 जो है ना आगे वाली, यहाँ से 200 किलोमीटर सूसड मरी के अंदर ही तीनों डिलीवरी कर देनी है। अभी खाना वाना गर्म कर रहे हैं, फ्रेश हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे नहा लिया, अगर नहा लिया तो कैसा लगेगा ये बताओ। पैसे की बात, पैसा बहुत बनेगा अगर आदमी इंसान जिंदा रहता है ट्रक चलाने के लिए। जिंदा तभी रहेगा जब सही तरीके से हम लोग ट्रक चलाएंगे, कोशिश करेंगे, बाकी चलो ऊपर वाले के हाथ में होता है ना। क्या खूबसूरत नजारे हैं यार, इतना नजारा हाईवे 11 के ऊपर नहीं आता जितना हाईवे 17 के ऊपर आ रहा है। आपने अभी शॉट देखे ही है, अगर कोई पार्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो यार वीडियो को, और अगर कोई बंदा नया आया जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को, भाई के नाम के ऊपर एक सब्सक्राइब मार दो। भाई तुम इधर मत देखना है, आगे से ट्रक बहुत तेज आ रहा है, पूरा आनंद ले रहे हैं भाई। आया पर ध्यान ना ही, पानी इतना साफ है ना जैसे किसी ने फिल्टर किया होता है। कोई अपने ट्रक के आगे ना ड्रेस लिख के डाले कंपनी का, अगर कुछ हो गया हम दोनों को तो ट्रक तो हमारा पहुंच जाएगा ना। जैसे हमारे लक्षण है, जैसे हमारे लक्षण है, मेरे ख्याल में ये ट्रिप पूरा नहीं लगेगा। जब से कनाडा में आए ना मैंने इससे साफ पानी लेक लुइस में देखा था, लेकिन लेक लुइस के भी ज्यादा साफ पानी, लेक लुइस से भी ज्यादा। ये देखो नीचे तक दुनिया दिख रही है पानी के अंदर, देखो इसे ज्यादा खूबसूरती क्या हो सकती है, पूरी लेक है। आजा आजा कंपनी वाले टेलर वेट कर रहे हैं, टेलर की जो 2 पैसे मिलेंगे वो भी कट हो जाएंगे। ऊपर जाके देख रहे हैं ट्रक अपना है ऊपर के नहीं है।
ट्रैकिंग, ट्रैकिंग की ट्रैकिंग होगी, हाइकिंग की हाइकिंग होगी, फोटो की फोटो होगी, और क्या क्या हो गया भाई? और काम का काम हो गया भाई। और काम का काम हो गया भाई। जब हमारा बड़ा ट्रिप था ना, किसी ने फोटो भी नहीं खींची हमारी तेरी तो सीधी यूट्यूब पे वीडियो डाल दी किसी ने देख। जाने दे, स्लो 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 स्लो। अभी देख रहा है मेरे पीछे तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तेरे पीछे भाई। एक स्टॉप, एक फॉरवर्ड, एक पार्क। अगर उसने पार्क वाली की होती तो फिर हमको पार्क करके पेपर वगैरह लेके जाने पड़ते अंदर सारे, फिर चेकिंग होती है अपनी, फिर टीका लगाता। हमारा एक दोस्त हमसे मिशन चुका है, 360 था हमारे पास में, उसकी जो गर्दन थी ना हर तरफ घूमती थी हर टाइम में। चलाया जल्दी जल्दी कैमरा अंदर। अगर यहाँ से सामने जाते हैं ना, भाई घरों में घुसे हुए, घरों में वैसे चलते हैं, चले जाते हैं। अगर निकाल देंगे ठीक है, बोल देंगे पासपोर्ट की कॉपी है पासपोर्ट की कॉपी चलेगी, पासपोर्ट की कॉपी चलेगी, फोटो है फोन में, भाई चांडे बहुत लगाएंगे वो मैप निकाल के देखोगे ना तो सॉल्ट सेंट मैरी करके इसका नाम है, और पूरा पानी से गिरा हुआ है। लेकिन अभी हम गिरे हुए हैं डैम की कमी से। 5 डिलीवरियां थी सुबह से करते करते, अभी इनके 4:30 हो गए। मेरे ख्याल में 5 बजे ये लोग भाग जाते हैं, सो दैट इज वाई डरे हुए कि 5वीं डिलीवरी होगी कि नहीं होगी। गोल्ड पैड सही है, निकल जाएगा, निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा आराम से। है टेंशन पड़ गई जब पीछे से मेरे को 3 दिखा छोटे वाला, मैं बोला यार 3 अभी भी टेंशन लग रही है, लग रही है टेंशन पूरी भाई। मेरे को भी टेंशन है यार, निकलेगा नहीं निकलेगा? निकल गया भाई, निकल गया। देखा था कितना लाउड म्यूजिक करके ना, पुलिस वाले की भी कोई टेंशन नहीं है उसको, ये होती भाई। वो देख लाइटें लगाई अभी उसको, और किसी को लाइटें लगाई अभी, वो देख। 5 डिलीवरियों के बाद में ट्रक लगा के पार्किंग में उनसे पूछ के अभी सब्वे खा के फिर निकलेंगे। हाँ भाई क्या रहता है, सब्वे खाएंगे भाई सुबह से ये बंदा चला रहा है कि मैं ही, मेरे को शावर लेना है, शावर लेना है। अभी शावर का सामान सारा तेरे सामने पड़ा हुआ है, साबुन मैं तेरे को दूंगा। है यहाँ से स्ट्रेट टोरंटो जाएंगे ना तो 8 घंटे लगेंगे, सू सेंट मैरी से 8 घंटे। हर मशीन में बिन है, हर मशीन में। बॉब डेल का यही मजा होता है, कहीं पे भी पार्क कर दो, अपनी टेंशन नहीं है। टोरंटो क्या अड़ा भाई, जब दिन में ट्रैफिक देखेगी ना तब तेरा मेरे ख्याल में पॉइंट व्यू चेंज हो जाएगा भाई तो सो रही है लेकिन मैं नहीं सोया, मेरी आंखें बंद होती हुई यही है ऐसे ऐसे। पहले मैं उठा रहा था इसको, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया। जब पहली बार ट्रकिंग करते ना तो टोरंटो के रोड जो है ना काफी रश वाले हैं, चाहे आपने 10 साल ट्रक चलाया चाहे आपने 5 साल चलाया, लेकिन जब आप पहली बार कनाडा में या किसी नई कंट्री में ट्रक चलाते हो उसके रूल एंड रेगुलेशन सीखने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ना। दुबई से थोड़े से कानून इसके डिफरेंट है, ट्रक और ट्रेन का सेम चलता है, इंडिया से इसका स्टेयरिंग की बिल्कुल उल्टी तरफ है, तो वो भी पूरा टोटली डिफरेंट सिस्टम है। बहुत सारी कंपनीज ना ट्रेनिंग देती नहीं है, सीधे बंदे को पकड़ती है, उठाती है और रोड के ऊपर भेजती है। उससे बंदा तो खुश होता है कि मेरे को रोड के ऊपर सीधा भेज दिया नया ट्रक देके, लेकिन उसमें बंदा सेफ कितना है, उसका परिवार सेफ कितना है वो मालूम नहीं है हमको ना। चाहे मैंने दुबई में ट्रक चलाया था लेकिन मैंने फिर भी ट्रेनिंग किया था अपनी कंपनी में, हम भी कर रहा है। इससे क्या होता है यार, मालूम पड़ता है कि पेपर वर्क कैसे करना है, ट्रक लोड कैसे उतारते हैं, लोड कैसे लेके जाते हैं। चलाने का मतलब ये नहीं कि आप रोड के ऊपर ट्रक लेके चल सकते हो। तो ठीक है यार, टोरंटो में पहुंच चुके हैं, कल आपको सुबह टोरंटो के हालात के बारे में याद कराया जाएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक करके जाना, जो मतलब चैनल के ऊपर नया है सब्सक्राइब करो, मिलते रहेंगे ऐसी ऐसी वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, रब रखा भाई, रब रखा, वीडियो अपलोड करने के नहीं मैं ऐसे रब रखा। तो ठीक है, मिलते हैं 80-80 वीडियो में। टिल देन रब रखा भाई, को भी सब सब मालूम पड़ जाएगा अभी बॉब डेल है ना, अपनी जिंदगी बन गई है ना।
अगर ट्रेलर पीछे होता तो अपने को पार्किंग नहीं मिलती, क्योंकि ट्रेलर के लिए पार्किंग नहीं है इस पंप के ऊपर। देखो दो तीन ट्रक ये लगे हुए हैं, तो वहाँ पे पार्किंग है सिर्फ एक दो ट्रेलर की। एमडी ट्रेलर वहाँ पे उतार दिया कंपनी ने, बोला एमडी ट्रेलर उतार दो, अभी लोडर ट्रेलर जो है ना वो अभी मालूम नहीं कब मिलेगा, जब भी रेडी होगा कंपनी कॉल करेगी, तब तक हम सो जाते हैं। भाई एक अपने लिए अच्छी न्यूज ये है कि हमको 401 के ऊपर शायद नहीं जाना पड़ेगा, वन ऑफ द वर्स्ट रोड 401। जब सुबह 8 बजे का टाइम होता है ना, माँ पोत नहीं सामने फिर बाय बाय। Right, left, right, oh.